हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछला वाला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। दो सेपरेट पार्ट में इस टॉपिक को हम दो सेपरेट लेक्चर में हम इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता दूंगा। जैसे इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें आएंगी। एक तो पहले हम इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि हमारी जो बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज भी होती है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी कुछ सिग्नल भेजती है। कभी कभी हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में जो सिग्नल होता है वो भेजा ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं चलता, और हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाता है। एक तो हमारी बॉडी ने जब इम्यून सिस्टम पे हमला हुआ तो एक तो सिम्टम भेज दिए, दूसरे फिर उसके बाद वो सिम्टम क्यों नहीं भेजे गए, उसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक डिजीज है, वो एक एक्सेप्शन है, उसको हम उस एक्सेप्शन को समझेंगे जब हमारी बॉडी वो मैनिफेस्टेशन वाला सिग्नल ही नहीं भेजती है, फिर हमारी डिजीज मैनिफेस्टेशन देखने को ही नहीं मिलता। ओके, और तीसरी जो पॉइंट हम आज समझेंगे वो है सीवियरिटी के बारे में, किसी भी डिजीज की सीवियरिटी, कौन सी डिजीज ज्यादा स्ट्रांग होगी, कौन सी डिजीज थोड़ा सा वीक होगी, तो उसके स्ट्रांग और वीक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो तीन पॉइंट हम समझेंगे, बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। अभी देखो यहाँ पे आपका क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या, तो देखो जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में डिजीज के बारे में बात की, डिजीज की एंट्री ने हमें डिसाइड किया कि कौन सी किस पार्ट या फिर किस स्पेसिफिक ऑर्गन में डिजीज होगी। लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं होता कि कहीं भी एंट्री कर गया, कोई माइक्रोब एंट्री कर गया हमारी बॉडी में, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री कर गया और उसने एक जाके डिजीज बना दी, ऐसा नहीं होता। हमारे पास इम्यून सिस्टम है, हमारे पास इननेट इम्यून सिस्टम है, हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेल्स है जो उन माइक्रोब से, उन पैथोजन से फाइट करती है। ऐसे नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ देती है, आके हमला करो हमारी बॉडी को और डैमेज कर दो, नहीं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। और जैसे हमें चोट लग गई या फिर हमें कोई कहीं पे कट लग गया या फिर कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ माइक्रोब्स इंटर हो गया हमारी बॉडी पे, तो वहाँ पे क्या होता है, ढेर सारी जो सेल्स होती है, जैसे माइक्रोफेज सेल हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, आपकी और भी मास सेल हो गई, बहुत सारी सेल होती है, ये सब मिला के क्या करते हैं, वहां पे हीलिंग का प्रोसेस करते हैं। हीलिंग प्रोसेस, ठीक है ना, हीलिंग प्रोसेस बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हीलिंग करने का जो प्रोसेस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको किल करने के जो हमारी बॉडी में जो डैमेज हुआ है उनको हील करने का जो प्रोसेस, या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इंटर कर गए उनको हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जनरली इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन एक तरीके से हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है। अब इनके जो सिम्टम्स होते हैं, जब हीलिंग होती है ना, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे आते हैं, ये फीवर की फॉर्म में आते हैं। ये किस फॉर्म में आते हैं, फीवर की फॉर्म में आते हैं। आपको देखने को मिलेगा जैसे बहुत बॉडी में पेन होने लगेगा, पेन की फॉर्म में रहता है, स्वेल होने लगता है, जैसे आपको चोट लग गई वो पार्ट स्वेल कर जाती है, ठीक है, या फिर उस पार्ट का कलर रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये सिम्टम है, ये इन्फ्लेमेशन के मतलब दिखाता है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया आपके माइक्रो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, माइक्रोफेग और अदर टाइप के जो सेल्स होती है वो वहाँ पे जाकर उनको किल कर रही है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी एक्टिव होता है, ये रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, फिर से मैं बता दूं, इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, चाहे प्रोटीन बना के या फिर बैक्टीरिया वैक्टीरिया को किल करके, तो वो सब मिलके क्या बनाती, कौन सा प्रोसेस करती है, इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन क्या होता है यहाँ पे मैंने बता दिया, और उनके सिम्टम्स कुछ होते हैं जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम लेकिन ये मतलब एक मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन आपको दिख रहा है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता और हमारी बॉडी में एक बीमारी घुस जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम कोई सिग्नल भी नहीं दे पाता। अब जैसे होता क्या है ना कि कोई भी डिजीज इंटर करती है तो बिना इम्यून सिस्टम
कि वो इंटर नहीं कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से वो उसको पता कर लेगा कि क्या हो रहा है। तो एक डिजीज है, उस डिजीज का नाम है एड्स। मैंने आप सभी को इसके बारे में पता होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये इंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, जब ये वायरस है, जब ये वायरस इंटर करता है हमारी बॉडी को, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, ये जाता है आपकी उन सेल्स के अंदर जो एंटीबॉडी को बनाती है, जो बैक्टीरिया को वायरस को किल करने वाली प्रोटीन को बनाती है, ठीक है ना, वही प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम है। तो ये जाती है उन सेल्स के पास जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ओके, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम को बनाने वाले सेल के पास कौन जाएगा, एचआईवी जाएगा, उनके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और उनको कर देगा इनएक्टिव। अब जब वो इनएक्टिव हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो गया, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो सेल से बना हुआ है, अगर वो इनएक्टिव हो गया तो हमारी बॉडी के पास अब कोई प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, हमारी बॉडी के पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। जब हमारी बॉडी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो कोई भी बीमारी आएगी, बहुत बड़ी बीमारी बना दी। एक आपका कॉमन कोल्ड जो है ना, जैसे एक सिंपल सा कॉमन कोल्ड हो गया, अब इसको खत्म कौन करेगा, कॉमन कोल्ड के लिए रिनो वायरस रिस्पॉन्सिबल, रिनो वायरस को डिस्ट्रॉय कौन करेगा। अब ये जब कॉमन कोल्ड आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये इसको खत्म नहीं किया जा सकता, देन इट कैन कॉज, इसकी वजह से आपको न्यूमोनिया जैसी बीमारी भी हो सकती है, इसकी वजह से आपको क्या हो सकती है, न्यूमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है, और कभी गट में छोटा सा इन्फेक्शन हो गया जिसको हम एक टैबलेट खा के सही कर लेते थे, अगर गट में इन्फेक्शन हुआ, वो गट वाला इन्फेक्शन क्या बना सकता है, डायरिया काज कर सकता है। इवन कि बहुत सारे माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, जो जनरल माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा आते जाते रहते हैं और कोई डिजीज हमें नहीं होती, आते रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको किल कर दिया करता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि हमारे मैं सांस ले रहा हूँ कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर नहीं जा रहा, देयर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया कैन इंटर इन आवर बॉडी थ्रू आवर नजल कैविटी, ये इंटर हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनको किल कर देता है, लेकिन यहाँ पे किल नहीं कर पा रहा। कहाँ पे, यहाँ पे किल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इनएक्टिव हो गया, हमारे इम्यून सिस्टम को ये एचआईवी का जो एचआईवी जो वायरस है उसके आरएनए ने या फिर उसने जाके हमारे डीएनए पे जाके कब्जा कर लिया, उस सेल के इम्यून सिस्टम पर जाके, उस इम्यून सिस्टम की सेल पे जाके उसने कब्जा कर लिया, उसको कह दिया कि तुम काम करना बंद कर दो। जब उसने काम करना बंद कर दिया तो जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बंद हो गया, खत्म हो गया, तो कोई भी बीमारी इंटर करे, कोई भी रिनो वायरस इंटर करेगा तो भी न्यूमोनिया हो सकता है, कोई गट में छोटा सा इन्फेक्शन हो गया वो डायरिया काज कर सकता है। इवन कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंटर करते हैं और हमारी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। एचआईवी वायरस एक्सेप्शन होता है, जो आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट कोई मैनिफेस्टेशन, मतलब कि कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं है स्टार्टिंग में, कि हमारी बॉडी पे कोई धीरे 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 जाके हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया गया, अब उसके बाद धड़ाधड़ लो सारी बीमारियां इंटर करेंगी, अब उसके बाद हमारी बॉडी ठीक से साइन और सिम्टम भेज ही नहीं पाएगी, और ना ही हमारी बॉडी में कोई ऐसा इम्यून सिस्टम ही बचा हुआ है जो इनको बचा सके। ओके, लास्ट पॉइंट, हमारी बॉडी की सीवियरिटी के बारे में, या डिजीज की सीवियरिटी के बारे में, सॉरी नॉट बॉडी, डिजीज सीवियरिटी के बारे में हमें बात करनी है, डिजीज सीवियरिटी के बारे में बात करनी है कि डिजीज की सीवियरिटी, कौन सी डिजीज स्ट्रांग होगी, कौन सी वीक होगी, ये दो तीन फैक्टर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, पहली चीज इसके लिए होती है कि आपकी बॉडी में नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने इंटर किए, नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ज्यादा माइक्रोब्स होंगे ज्यादा स्ट्रांग डिजीज होगी, कम लेस मींस अगर लेस नंबर होगा तो वीक होगी, और लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन तो ये स्ट्रांग होगी, है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पे, एक आपका ये इम्यून सिस्टम पे भी, आपका इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, इम्यून सिस्टम जो आपका होता है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर ज्यादा नंबर के पैथोजन भी पहुंच जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है तो कम नंबर रहेगा माइक्रोब्स का या फिर पैथोजन का, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, वो भी ज्यादा खतरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इस चीज को आप समझे, इसीलिए बार बार लोग कहते हैं ना इम्यून सिस्टम को
क्या नाम है बूस्ट करने के लिए, बाबा रामदेव की कोरोनिल आ गई है, ये है वो, तो दुनिया भर की दवाइयाँ आती रहती है। और अभी COVID-19 के दौर में सारे लोगों ने इम्यून सिस्टम की डिफिनेशन पढ़ ली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं है। आप भी डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझें, इनको अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।